स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट शॉर्ट स्पीच ऑन जवाहरलाल नेहरू इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, जिनका जन्म 14 नवंबर को 1889 में संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता थे श्री मोतीलाल नेहरू और माता श्रीमती स्वरूप रानी थुसु थीं। इन्होंने विदेश जाकर अपनी शिक्षा ली और एक सच्चे भारतीय होने के नाते अपनी शिक्षा का उपयोग देश हित के लिए भारत में आकर किया। इनका ताल्लुकात कुलीन वर्ग से था, परंतु इन्होंने गांधी जी के नक्शे कदम को अपनाते हुए सादा जीवन अपनाया और खादी के वस्त्र धारण किए। वो इनका देश के प्रति प्रेम ही था जो इन्होंने बिना डरे कई आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया। कई बार जेल भी गए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। इनका विवाह कमला कौल से हुआ था और इनकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। वे एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी आदि। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू एक महान शख्सियत के साथ एक महान व्यक्ति भी थे और उनके भारतीय इतिहास में अपने अतुल्य योगदान के लिए भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है और इन्हें आज भी याद किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.